सुहेल अमीन एंड कंपनी के CFO अब्दुल मन्नान ने सैकड़ों के हिसाब से गैर कानूनी तौर पर खरीदी जाने वाली खाद की कीमत 2250 रुपए बताई, जबकि हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमत 1768 रुपए थी और इस मुकर्रर कीमत का हुकूमती बोर्ड इस खाद एजेंसी के बाहर भी आवेजा था। फलानी जगह तो लैके आ रहे हैं जी। रेट की चल रहा है अजकल? 2250 ने। कैश तक ही करोगे? कैश नहीं, कैश चेक दे देंगे या फिर अपना ऑनलाइन कर देंगे। मंडी सादतगंज तो कोई भाई आए नहीं तो 300 बैग मांग रहे हैं। आप सोचिए, इंसान इस मुल्क में यकीन करे तो किस पर करे? अपने इलाके के कोटे की खाद की सैकड़ों बोरियां दूसरे इलाके से आने वालों को मुकर्ररा कीमत से तकरीबन 500 रुपए फी बोरी जायद फरोख्त करने वाला ये शख्स पढ़ा लिखा भी लग रहा था और दीनदार भी। इस हुलिये के लोग भी अगर जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफा खोरी में मुलव्वस होंगे तो इनकी नमाजों, इनके माथे के मेहराबों और इनके चेहरे पर सजाई जाने वाली सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग इनके असल किरदार के बारे में कितनी आसानी से धोखा खा जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, गैर कानूनी कोटे की खाद अपनी मर्जी की कीमत पर फरोख्त करने के बावजूद इनके लहजे में वो रौनक थी कि खुदा की पनाह। इन्हें ना रेट पर बहस करनी थी और ना ही पेमेंट पर कोई बात, इन्हें उसी वक्त नकद रकम चाहिए थी वरना डील कैंसिल। क्योंकि वो तो सोमवार तक गल गई, समझ गए? सही मतलब भाई सा नेट कैश देना पड़ेगा। यस जी, चौदह हम साढ़े ना मेहरबानी करो जैसे इतना सफर करके आए हैं जी। भाई यार तुसी गलत आए ना सफर कर। रेट की लाओगे? रेट कल का कल ना सब जी, लेकिन हम अमीर है यही है। 2300 रुपए? नहीं, जेड़ा अवेलेबल है। पता नहीं करता कि सोना अवेलेबल है। हाँ जी, तारा अवेलेबल है जेड़ा ऐस वगैरह देख। आज मतलब मेरे को तारा आई है 500 बैग। हां जी, दूसरा सब बता दे। सही, जेड़ा अवेलेबल है। सही, सुहेल अमीन एंड कंपनी गग्गो मंडी के CFO अब्दुल मन्नान के तकब्बुर का ये आलम था कि अगली बार उन्होंने हमारे नुमाइंदों से मिलना भी मुनासिब नहीं समझा और उन्हें बाहर बैठे अपने ही एजेंट से डील करने का कहा। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ औकात में कभी 50 कभी 300 बोरियों की डील करने के लिए CFO के मातहत एजेंट से मिले, जिसने 2300 रुपए से 1 रुपया भी कम पर खाद बेचने से इनकार कर दिया। शाम सुबह पर्ची दे दो फिर सवेरे आना औखा जी। नहीं मैं क्या इदा नहीं काम सीधा। हाँ जी, अपनी नहीं ना फोन। हाँ जी, चलो हूँ चुका लेने जी, कोई थोड़ी जी रियायत कर दियो। क्यों सर? रेट में तो किराया शराया 2300 तो घटा लो। मैं क्या देख लो ढे बारिश है कि एक रुपये की भी नहीं, एक पैसा को ना दो दिन नहीं है गुंजाइश। चलो ठीक 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 हो गया। ठीक मेहरबानी करो जो यार। नहीं भाई है नहीं, करो सर प्यार। नहीं मजीद कोई है गुंजाइश यार? चलो मेहरबानी। डील तय हुई और पेमेंट के बाद हमारे नुमाइंदों को एक पर्ची इशू की गई, जिसे दिखाकर वो सुहेल अमीन एंड कंपनी के खुफिया गोदाम से खाद की बोरियां लोड करवा सकते थे।
टीम सरयाम के नुमाइंदे जब मोहर लगी पर्ची लेकर यूरिया खाद लोड करवाने सुहेल अमीन एंड कंपनी के गोदाम में पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि ऐन उस वक्त जब पाकिस्तान का किसान मुल्क भर में खाद की एक एक बोरी को तरस रहा है, इस गोदाम में ब्लैक में फरोख्त करने के लिए खाद की सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों बोरियां जखीरा की गई थी। यूरिया खाद जिसे हुकूमती रेट पर खरीदने के लिए किसान दर दर के धक्के खा रहा था, टीम सरयाम ने उसी खाद की सैकड़ों बोरियां इन नाजायज मुनाफा खोरों से जायद कीमत अदा करके खरीद ली थी। अब मरहला था इनके खिलाफ कार्रवाई का। हम कैमरों के साथ इस नियत से गग्गो मंडी पहुंचे कि भले सुहेल अमीन एंड कंपनी के CFO अब्दुल मन्नान ने यूरिया खाद पर नाजायज मुनाफा खोरी करते हुए खुद अपने दीनी हुलिये का ख्याल न रखा हो, लेकिन हम उससे बात करते हुए इस हुलिये का एहतराम जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसे निगरानी जान सकता हूँ? अब्दुल मनान। मनान साहब, हम जरा ये यूरिया खाद के हवाले से हाजिर हुए हैं। जी जी। क्या स्टेटस है इस वक्त, अगर आप बताना चाहें कि इसकी प्रॉब्लम चल रहा है अभी भी, किसानों को फेस करना पड़ रहा है, अवेलेबिलिटी है नहीं है? हमारे पास तो अवेलेबिलिटी है, है जी। बाकी शहरों में अगर एक बंदा छोटे शहर से सारे पूरा करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है। बुरेवाला बिग सिटी है, उसके मुजाफात में इलाके हैं। ठीक है। वहाँ पे भी लोगों को अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। आपका एरिया ही नहीं, आपके इर्द गिर्द के कौन कौन से इलाके हैं जिनको आप? बुरेवाला है, चिचावतनी है। ठीक है। साउका है, जमलेरा है। जो और क्या ब्रांड है यूरिया का जो आपके पास? यूरिया के सभी ब्रांड्स आते हैं सर, आपके पास सभी दस्तयाब है? सभी आते हैं, सभी दस्तयाब। और क्या रेट क्या है इस वक्त एक बोरी का? रेट तो किसान को 1768 में दे रहे हैं, 1768 में। ठीक है। 1770। और अगर इससे ज़्यादा भी बेचें तो नामनासिब है, इलीगल है या नहीं, मिल ही नहीं रही इससे ज़्यादा पे क्या? नहीं नहीं, मिलने की तो बात ही नहीं। गग्गो के इस स्टेशन से, गग्गो में सबसे ज़्यादा खाद हमने डिलीवर की है। ठीक है। जितने ग्रुप हैं हमारे साथ, किसान इतिहाद वाले, बोर्ड वाले, ज़रात के, डीसी साहब के रूट के थ्रू हम सबको खाद दे रहे हैं। और यहाँ पे काउंटर पे आके हम उनका आईडी कार्ड लेते हैं, उनका नंबर लिखते हैं। और रेट 1768 लगाते, इससे एक रुपया भी ज़्यादा नहीं है? नहीं, वो तो किसान को तो किसी सूरत में लग ही नहीं सकता ना सर, अलाउ ही नहीं है। नहीं, अगर इससे ज़्यादा कोई बेचता है तो क्या है आपके ख्याल में? वो तो नहीं बिक सकती ना। नहीं, अगर फर्ज कीजिए, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कोई बंदा आया आपसे कहता है जी 100 बोरी चाहिए, मैं यहाँ से नहीं हूँ, किसी और एरिया से हूँ, किसी और इलाके। नहीं, वो हम नहीं देते, फिर बाहर आउट ऑफ सिटी कोशिश करते हैं करना दे, क्योंकि लोकल को कोशिश करते हैं ना, एक मार्जिन होता है किसी तवक्सुद से आ गया, हर डीलर का। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, तो उसको भी वही रेट देंगे 1768 का ही? नहीं सर, वो तो नहीं हो सकता ना। अच्छा। वो रेट तो, जो पहली बात तो ये है कि हमसे जो बाहर से लोग लेने आते हैं, हाँ, किसान इतिहाद के अलावा या डीसी उसके अलावा, हम उनको देते नहीं, कोशिश करते हैं कि ना दें। ठीक है। लेकिन अगर देना पड़ गया, लेकिन अगर देना पड़ जाए तो फिर वो हमारे बॉस हैं, वो फैसला करते हैं क्या करना है। अभी तक तो ऐसा नहीं। अच्छा, अगर वो उस रेट से ज़्यादा पे देते हैं तो वो तो गैर कानूनी है या नहीं है? सर देखिए, जो डीलर हजरात, सब डीलर हजरात हमसे लेके जाते हैं, वो तो एक अलग इशू है ना। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि एक बंदा आपके पास 100 बोरी लेने के लिए आया, जो गवर्नमेंट का या जो भी एक मुख्तस रेट है, उससे ज़्यादा में बेचना तो गैर कानूनी ही है ना? बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात समझ गया था साहब, लेकिन हाँ। बात ये है कि किसान को तो उसी रेट पे जानी चाहिए ना, जिस रेट पे मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना। अगर एक बंदा 100 हमारे साथ डील करता है आके, तो वो आगे जाके ब्लैक करके बेचता है, ये भी तो प्रॉब्लम है ना सर। हाँ, तो आपको तो उसको नहीं देनी चाहिए, पोटेंशियल ब्लैक मेलर को या ब्लैकिए को। ये अनफॉर्चुनेटली सर, यहाँ पे कोई रूल ही नहीं है कि किसको कैसे मैनेज किया जाए, ना कोई खसरा गिरदावी का जमीर का रूल तो है ना सर। यहाँ पे लाइन लग जाती है, जितने पल्लेदार है सारे आके ले जाते हैं, बात फिर भी कस्टमर जमींदार तक जानी चाहिए। आप अपनी जात के जवाब दें, आप अपनी जमीर के जवाब दें कि जो रेट है उस रेट पे उसको बिकना चाहिए। अगर आप किसी को 100 बोरी जो है वो ज्यादा रेट पे बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको पता है कि वो पोटेंशियली वो भी मिसयूज करेगा इसको आगे जाके, या ब्लैक में बेचेगा। नहीं सर, जिन अलग उसके दो तरीके हैं जी।
बेचेगा वो ज़रूर, वो अपने तौर पे बेचेगा, लेकिन मसला ये है कि उन इलाकों में अगर अवेलेबल ही नहीं है तो इस चीज़ को आप रोक भी तो नहीं सकते। ठीक है, नहीं अवेलेबल तो फिर आपको उसी रेट पे देनी चाहिए जिस रेट पे जो रेट है उसका यूरिया का। यहाँ पे दुकान पे तो हम किसानों को उसी रेट पे दे रहे हैं सर, नहीं दे रहे ना।